गोरखनाथ थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले वार्ड संख्या 64 अहमदनगर चकसा हुसैन में जल जमाव सहित विभिन्न समस्याओं को लेकर सोमवार को हिंदू मुस्लिम एकता कमेटी के संरक्षक शाकिर अली सलमानी के नेतृत्व में मोहल्लेवासियों ने नगर निगम प्रशासन के खिलाफ रोष व्यक्त किया। मोहल्लेवासियों का कहना है कि मोहल्ले के लगभग 200 लोग अक्सा मस्जिद रोड पर घरों में कैद हैं, लेकिन नगर निगम प्रशासन का कोई भी जिम्मेदार मौके पर नहीं पहुंचा। छोटे छोटे बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे हैं, आमजन का घर से बाहर निकलना दुश्वार हो गया है। चारों तरफ गंदगी का जमावड़ा लगा है और लेकिन नगर निगम प्रशासन मौन है। हमारी आखिरी उम्मीद मुख्यमंत्री महोदय हैं। अगर नगर निगम प्रशासन हमारी समस्या का समाधान नहीं करता है तो मुख्यमंत्री के आने पर अपने वार्ड की समस्या उनसे कहेंगे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज संवाददाता से बात करते हुए हिंदू मुस्लिम एकता कमेटी के संरक्षक शाकिर अली सलमानी ने कहा, शाकिर अली सलमानी, संरक्षक हिंदू मुस्लिम एकता कमेटी गोरखपुर। आज हम लोग हिंदू मुस्लिम एकता कमेटी के बैनर तले गांधी प्रतिमा के सामने टाउन हॉल पर धरना दिया है और ज्ञापन मेयर को और डीएम को सौंपेंगे। हिंदू मुस्लिम एकता कमेटी के बैनर तले आज हम लोग साल भर से धरना ज्ञापन करके नगर निगम के मेयर और नगर आयुक्त को चेताना चाहते हैं, बताना चाहते हैं कि अहमदनगर चकसा हुसैन वार्ड नंबर 64 के हम लोग निवासी हैं और हमारे वार्ड के अंदर आज सालों से जल जमाव है, कीचड़ भरा हुआ है। 200 परिवार अक्सा मस्जिद रोड पर घरों के अंदर कैद है, ईद के दिन भी नहीं निकल पाए। अक्सा मस्जिद घोड़ा गली और इस वार्ड के अंदर कार बिल्कुल आज साल भर से बंद है, झाड़ू नहीं लगता। हम लोग अपने मुख्यमंत्री महोदय को बताना चाहते हैं, इस बार मुख्यमंत्री आएंगे तो उन्हें बताएंगे कि आपके पड़ोसी वार्ड के अंदर गोरखपुर के मेयर और नगर निगम की लापरवाही की वजह से रोड और नाले का निर्माण नहीं हो रहा, और जब तक निर्माण नहीं होगा तब तक जल निकासी नहीं होगी, और जब तक जल निकासी नहीं होगी अहमदनगर के लोग परेशान रहेंगे। हमारे बच्चे सुबह स्कूल जाने में दिक्कत होती है, बीमार कोई पड़ जाए तो उस मोहल्ले से निकल नहीं सकते। नगर निगम के अधिकारी आते हैं, कहते हैं हाँ कार्य होगा, उसके बाद गोल हो जाते हैं। अहमदनगर चकसा हुसैन नगर निगम से परेशान हो गया, इसलिए हम लोग धरना ज्ञापन कर रहे हैं और मुख्यमंत्री महोदय के सामने ये बात रखेंगे कि आपके हम पड़ोसी हैं, आप आदेश करिए इन लापरवाह गोरखपुर के अधिकारियों का, क्योंकि आपका आदेश है स्वच्छ उत्तर प्रदेश स्वच्छ गोरखपुर। तो हम लोग हिंदू मुस्लिम एकता कमेटी के बैनर तले उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री के संदेश को लेकर घूम रहे हैं, स्वच्छ उत्तर प्रदेश स्वच्छ गोरखपुर बनाने में नगर निगम लापरवाह है, लापरवाह है। और इस हालत में यहाँ का जो जेई है, जो यहाँ के नगर निगम के चीफ इंजीनियर है, इन सबों की लापरवाही की वजह से आज हमारे अहमदनगर के लोग परेशान। ये बेगम अख्तर जहाँ इनके बच्चे पढ़ने नहीं जा पाते स्कूल, इनके दरवाजे से लेके पूरा अक्सा मस्जिद गली घोड़ा गली जिसको कहते हैं, 200 परिवार घरों में कैद है जो परेशान है।